यहाँ पर हमारे सूपी मोमो को बनाने के लिए पहले हमें मोमोज बनाने पड़ेंगे। तो मोमो को बनाने के लिए पहला जो काम है वो है हम लोगों को आटा गूंदना, यानी कि मैदा जो है उसको गूंदना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 200 ग्राम्स मैदा, उस पर डाला हुआ है 1 टेबल स्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी हम लोग लेंगे, इतना गर्म होगा कि हम लोग उसमें उंगली डुबो पाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और अगर इस पार्ट को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल्स में दिखाया हुआ है कैसे मोमो का जो आटा लगाना पड़ता है। पर जो है हमारा मैदा जो है हमारा बन गया है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक, यानी कि 30 मिनट्स टू 1 आवर तक ढक कर, अच्छे से ढक कर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, आई मीन 30 मिनट्स टू 1 घंटे के लिए। फिर हम इससे हमारे मोमोज को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 75 ग्राम चिकन को मिंस किया है, और हाँ 75 ग्राम सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए, यानी कि 30 मिनट्स के लिए भिगो के, फिर उसको भी मैंने मिंस किया हुआ है और इसको एक साथ मिलाया हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ 150 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन भी यहाँ पर ले सकते हो, और कोई चाहे तो सिर्फ 150 ग्राम्स ऑफ चिकन भी यहाँ पर ले सकते हैं। मगर मैंने यहाँ पर किया है 75 ग्राम चिकन और 75 ग्राम सोयाबीन को मिक्स, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 टेबल स्पून जिंजर बारीक चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ, 4 ग्रीन चिलीज बारीक चॉप किए हुए, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 मीडियम साइज का अनियन, उसको भी बारीक चॉप करके, और हम लोगों को जो लगेगा पर मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस एंड 1 टीस्पून विनेगर को मिक्स करके रखा हुआ है हमारे मोमो के फिलिंग में डालने के लिए। तो यहाँ पर मोमो का जो फीलिंग है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मोमोज को बनाएंगे। सो मोमोज आर ऑल रेडी। पहले हम हमारे मोमोज को बॉईल करेंगे और फिर इसका सूप बनाएंगे। पानी जो है यहाँ पर उबल रहा है, अब हमारे मोमोज को हम लोग इसमें ड्रॉप करेंगे। इसको उबलने में थोड़ा देर टाइम लगेगा, और आप हम क्या करेंगे, जब मोमोस अब डालना हमारा हो जाएगा तब इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से उबल जाए। अब इसको हमको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक ये आराम से पक जाएगा।
5 मिनट बाद मैंने जब इसको ओपन किया तो आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से पक गया है और फूल भी गया है। तो अब गैस के फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे और इसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे इस पानी से। इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है पानी से और अब हम क्या करेंगे, मोमो का जो सूप है उसको बनाएंगे। तो इसलिए मैंने एक कढ़ाई को बिठाया हुआ है गैस के ऊपर, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे हम उसमें। तेल जो हमारा है वो गर्म हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली एंड ऑनियन चॉप्ड, टोटल मिला के 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको ऐड करेंगे हम लोग 1 कटोरी पानी, 100 ml पानी था। इसको हम थोड़ा उबलने देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, उबल रहा है। और अब क्या करूंगी मैं, इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर 2 टेबलस्पून वाटर में घोल के रखा हुआ था उसको मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा स्टर करेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है चिली सॉस, तो सूप जो है हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मोमोज को सूप में ड्रॉप करेंगे 1 बाय 1। तो तैयार है हमारा सूपी मोमो। अब हमारे गैस के फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। तो बन गया है हमारा सूपी मोमो, ये बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी होता है। तो आप लोग भी इसको घर में ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो शेयर एंड लाइक।